हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू साइकिल प्योर अगरबत्ती। सोचेंगी रानियां क्या बोलेंगे दास,
पगला सोच रहा, ये लाज कमारा सोच रहा। सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए, सिरहाने धर पोटली चावल रहा छुपाए। त्रिभुवन पति को आ गए श्याम सखा, इतने में आ गए श्याम सखा। छुपा रहे सुदामा? कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? अवश्य कोई वस्तु छुपाई होगी तुमने। नहीं। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्या, आपने मेहमान पर आरोप लगाना अच्छी बात है प्रभु? बिल्कुल नहीं, मेहमान तो भगवान का स्वरूप होते हैं। अरे तुम सब तो इसे अभी अभी मिली हो, मैं तो इसे बचपन से जानता हूँ। खाने पीने की चीजों के मामले में ये एकदम स्वार्थी है। लाओ लाओ, दिखाओ क्या छुपा रहे। अरे अरे दिखाओ तो, अरे दिखाओ ना। अरे दिखाओ ना सुदामा, क्या छुपा रहे हो दिखाओ। तब तो अवश्य कोई स्वादिष्ट वस्तु है जिसे तुम अकेले हड़प कर लेना चाहते हो। भाभी जी ने अवश्य मेरे लिए कोई रसीली चीज बनाकर भेजी होगी। अरे दिखाओ ना सुदामा। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी, कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ, देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। लाए हो मेरे लिए और छुपाए छुपाए फिर रहे हो। वाह वाह वाह, भाभी जी ने क्या भेंट भेजी है। प्यार के अमृत में भीगे हुए ये तंदुल, प्रेम के रंग में रंगे हुए ये स्नेह के माणिक मोती, स्नेह भावनाओं से सुगंधित ये अनमोल रतन, अरे ये तो संसार की सबसे उत्तम
सबसे अनमोल भेंट है और इसे छुपा रहे थे तुम। इन तीन मुट्ठी चावल पर तो मैं तीनों लोक वार दूं। हाँ सुनामा, तीनों लोक वार दूं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दान ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दान ये मेरा पिया है। क्या कर रहे हैं? पहली मुट्ठी में आपने सुदामा को स्वर्गलोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी में आपने सारा पृथ्वीलोक दे दिया, अब तीसरी मुट्ठी खाकर अपना वैकुंठ लोक भी दान में दे देना चाहते हैं आप। सुदामा के आधे चावल को भूल गई देवी, जो उसने हमें अर्पित किया था।
आधे चावल का मूल चुकाने के लिए आप तीनों लोग दान में दे देंगे प्रभु, ये कैसा हिसाब है आपका? सीधा सा हिसाब है, वो आधा चावल उस समय सुदामा की कुल पूंजी थी जो उसने स्वयं भूखा रहकर हमें अर्पित किया था। अर्थात जब उसने अपनी कुल पूंजी अर्पित कर दी तो उसके बदले हमको भी अपनी सारी संपदा सुदामा को भेंट कर देनी चाहिए, तभी तो हिसाब बराबर होगा। हे त्रिलोकीनाथ, अब तीन मुट्ठी चावल खाकर तीनों लोग दान में दे देना चाहते हैं। इस तरह तो आप सुदामा की तरह भिक्षुक बन जाएंगे और सुदामा त्रिलोकीनाथ बन जाएंगे। तभी तो मित्रता का हिसाब बराबर होगा। मैं वो बन जाऊंगा और वो मैं, मुझ में वो होगा और उसमें मैं, फिर दोनों में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। नहीं भगवान, आप भावना के आवेश में आकर हम सबके साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। ये तो बहुत अन्याय है प्रभु, आप अकेले ही भाभी के दिए हुए तंदूल खाए जा रहे हैं। अरे हमारा भी तो कोई हक बनता है इस अमृत में, लाइए हमें दीजिए। अरे अरे अरे, अरे। हाँ लो खाओ। देखा सुदामा, मेरी एक मुट्ठी चावल का नुकसान हो गया, सब खा गई। जब आप अपने मित्र से मिले तो उनको सारी हालत बता दीजिएगा। वो अवश्य आपके सारे दुख हर लेंगे। देखो वसुंधरा, मैं वहां जा रहा हूं केवल तुम्हारे कहने पर। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं स्वयं अपने मुंह से कुछ भी नहीं मांगूंगा। आपको मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी स्वामी, मांगने से तो इंसान देता है, वो तो भगवान है, अंतर्यामी है, वो बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। आप केवल एक बार उनके पास पहुंचते जाइए। अच्छी बात है, चला जाऊंगा। क्षमा करना मित्र, तुम्हारे कक्ष में बिना आज्ञा ही चला आया। अरे ये क्या कह रहे हो, क्षमा मांगकर मुझे पाप का भागी क्यों बना रहे हो? और फिर अपने मित्र से मिलने के लिए आज्ञा की क्या आवश्यकता है? आओ बैठो मित्र, आओ बैठो मित्र। क्या सोच रहे थे? नहीं कुछ भी तो नहीं,
भाभी से पहली बार जुदा हुए हो ना, अवश्य उनकी याद तुम्हें सता रही होगी। लगता है मैं गलत समय पर आ गया हूँ। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं मित्र, ये तो मेरा सौभाग्य है कि अपने बाल सखा के साथ कुछ पल और बिताने का अवसर मिल गया। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे तुम जैसा मित्र मिल गया है। ये कहकर तुम मुझे लज्जित कर रहे हो मित्र। अरे लज्जा वज्जा छोड़ो और निसंकोच अपने दिल की सारी बातें कह डालो। पता नहीं फिर एकांत में ऐसा अवसर मिले ना मिले। सुदामा यही अवसर है, यदि मांगना है तो इसी समय मांग ले, मांग ले। नहीं नहीं, नहीं। सुदामा ये अच्छी मित्रता है। मन ही मन में कोई खिचड़ी पका रहे हो पर हमें नहीं बता रहे। अरे मित्र से क्या छुपाना, बताओ क्या बात है, बताओ। देखो इस संसार में जीवन में कितनी बातें होती हैं जो किसी से कही नहीं जा सकती, केवल मित्र के आगे इंसान अपनी छाती फाड़ कर ही अपना दुख अपना सुख बांट सकता है, अपने परिवार का अपने संसार का। जब से हम गुरु आश्रम से विदा हुए हैं तुमने क्या किया, कैसी बीती, अब कैसी बीत रही है? संसार में मित्र से अधिक सहायता करने वाला कोई नहीं होता। हाँ कोई नहीं होता। भाई बहन रिश्तेदारों से अधिक मित्र कर सकता है। सो बताओ मैंने तुम्हें कहा था कि मित्रता मैं निभाऊंगा, सो मेरा वचन आज भी सत्य है। अरे आज भी सत्य है। बताओ कोई सेवा, कोई काम, कोई मदद? अरे मित्र से कैसा पर्दा, बताओ क्या बात है? नहीं कुछ भी तो नहीं, तुम वैसे ही शंका कर रहे हो। मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी दया से सब कुछ तो है यहां। हाँ अरे यहां तो सब ठीक है, मेरा मतलब था तुम्हारे घर पर तो सब ठीक ठाक है ना? हाँ सब ठीक ही है। परंतु भाभी ने अवश्य कोई संदेशा भेजा होगा। जिस भाभी जी ने चावलों जैसी अनुपम भेंट भेजी थी उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा, ये कैसे संभव है? यदि कोई संदेश भेजा होता तो चावल की भेंट के साथ कहना दिया होता। क्या पता सबके सामने चावल छुपा रहे थे, वैसे ही हो सकता है संदेश भी छुपा रहे हो। लेकिन इस समय तो मेरे अलावा यहां पर और कोई नहीं है, फिर कैसी लज्जा? बताओ ना भाभी ने क्या कहा, बताओ ना। आते समय वसुंधरा ने कहा था कि हाँ हाँ क्या कहा था? यही कि अपने मित्र से कहना कि हाँ हाँ क्या कहते ना, यही कि तुम्हारी दया से सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुशल मंगल ही है। अर्थात भाभी ने कोई इच्छा प्रकट ही नहीं की? नहीं। अरे ये कैसे हो सकता है, स्त्रियों की तो कई कई अभिलाषाएं होती हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे वस्त्रों आभूषणों की तो इच्छा प्रकट की होगी।
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मन को संतोष प्राप्त हो तो मनुष्य अपने साधनों में ही खुश रहता है। तुम मेरी चिंता ना करो, मेरे घर में सब कुशल मंगल ही है। कुशलता के एक शब्द में तुम सारे जीवन को कैसे समेट सकते हो सुदामा? अरे भाई, सांदीपनी आश्रम से बिछड़ने के बाद अब मिले हो, इतने वर्षों में न जाने तुम्हारे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए होंगे। हमें नहीं सुनाओगे अपनी आत्मकथा? मेरे मित्र, तुमसे बड़ा ज्ञानी संसार में कोई नहीं है। सांदीपनी के आश्रम में तुमने एक दिन में एक एक करके 64 दिनों में सभी 64 विद्याएं ग्रहण कर ली थी। तुम्हारे ज्ञान के सामने मेरा ज्ञान समुद्र तट पर पड़े हुए चंद कंकर पत्थरों से अधिक नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारे शब्दों के जाल में उलझने वाला नहीं हूं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि अपने प्रभु की कृपा और मित्र के आशीर्वाद से मेरे घर में सब सकुशल है। ठीक है, जब तुम कहते हो तो ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा, यह आपने कैसे मान लिया भगवान? जबकि आप तो भली भांति जानते हैं कि ऐसा नहीं है। सुदामा बहाना बना रहे हैं। सुदामा की घर सब कुछ सकुशल नहीं है, वे गरीबी के मारे हैं। अपने आत्मसम्मान और आपको कष्ट ना देने के लिए वे अपनी दुर्दशा आपसे छुपा रहे हैं भगवान। मेरी परेशानी पर आप मुस्कुरा रहे हैं। आनंद ले रहा हूं तुम्हारी परेशानी और व्याकुलता का। जिस तरह उस खंडहर में सुदामा को अपने हाथों निवाला बनाकर खिला ना पाने पर मुरली मनोहर की बेबसी का आनंद तुम ले रही थी, वैसा ही आनंद अब मैं ले रहा हूं। उस समय मेरे मुखमंडल पर ममता झलक रही थी, इस समय तुम सिर से पैर तक ममता की मूरत दिखाई दे रही हो। तो क्या मुझे सुदामा के लिए एक माँ की तरह चिंतित नहीं होना चाहिए? ये मैंने कब कहा? भगवान, यदि मुझे माँ की तरह चिंतित होना चाहिए तो आप निश्चिंत क्यों हैं? सुदामा के ये कहने पर कि सब कुशल है, आप ऐसा ही होगा मानकर चले आए? देवी, जब सुदामा ने कहा कि उनका परिवार सकुशल है तो मैंने कहा ऐसा ही होगा, अर्थात अब से ऐसा ही होगा। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। मेरी भूल को क्षमा करें। ये तो बताइए कि ऐसा ही होगा, होगा कैसे? भगवान, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। आज्ञा करें भगवान, विश्वकर्मा को किस लिए स्मरण किया गया है? विश्वकर्मा, मैं अपने परम मित्र सुदामा के लिए
एक राजमहल का निर्माण करना चाहता हूँ। भगवान, आपकी इच्छा और आज्ञा से मैं ये कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर दूंगा। परंतु ये राजमहल हमारे राजमहल जैसा ही होना चाहिए, और इस राजमहल की विशेषता ये होनी चाहिए कि इसमें जो भी रहे, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वैरागी, उसके मन को शांति और संतोष मिलना चाहिए। ऐसा ही होगा प्रभु। सुदामा जी के राजमहल का निर्माण शांति और संतोष की आधारशिला पर ही होगा। परंतु सुदामा के जाने का समय आ गया है, इसलिए ये कार्य अति शीघ्र होना चाहिए। जैसी प्रभु की आज्ञा। गरीब की कुटिया में किस कारणवश पधारे हैं? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है। देव शिल्पी विश्वकर्मा? आसन ग्रहण करें, क्षमा करें, गरीब की झोपड़ी में तो यही एक साधन है। ये टूटी फूटी खाट आपके योग्य तो नहीं, परंतु यदि आप विराजे तो कृपा होगी। आइए। धन्यवाद देवी। आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? सेवा तो मैं करने आया हूं देवी। मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले इस कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का निर्माण करूं। वैसा राजमहल जैसा भगवान श्री कृष्ण का अपना महल है। श्री कृष्ण के महल जैसा राजमहल? हाँ देवी, वैसा ही राजमहल, हीरों पन्नों से जगमगाता हुआ महल, वैसा ही वैभवशाली महल, शानदार महल। ये उनकी उदारता है जो वो एक ब्राह्मण मित्र पर अपनी कृपा कर रहे हैं। एक गरीब की कुटिया को राजमहल में बदलना चाहते हैं।
परंतु क्या देवी, आप किस सोच में पड़ गईं? मैं तो सोच रही थी कि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी है, हम गरीबों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, हम क्या स्वीकार कर सकते हैं क्या स्वीकार नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं। निसंदेह वो सब जानते हैं, तभी तो वो आपके परिवार के लिए सारे सुख उपलब्ध कराना चाहते हैं। परंतु उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे परिवार में मेरे स्वामी, मेरे बच्चे और केवल मैं ही हूं? अर्थात देवी? अर्थात ये कि किसी मनुष्य का परिवार केवल उसके बाल बच्चों तक सीमित नहीं होता, उसके परिवार में उसके पड़ोसी, उसके गांववासी, उसके देशवासी सभी सम्मिलित होते हैं, जिनसे मानव समाज बनता है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सारा गांव वृंदापुरी आपका परिवार है? हाँ विश्वकर्मा जी, परिवार उसे कहते हैं जिसके सदस्य स्नेह और सहानुभूति की रस्सी से एक दूसरे से जुड़े होते हैं, किसी एक की उंगली कटती है तो दूसरे को दर्द होता है, एक पड़ोसी भूखा होता है तो दूसरे पड़ोसी को खाना अच्छा नहीं लगता, किसी एक का छोपड़ा जल उठता है तो दूसरे आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। जानते हैं क्यों? केवल इसलिए कि सभी स्नेह और सहानुभूति की रस्सी में बंधे हुए एक ही परिवार के लोग हैं। वर्षों तक इसी वृंदापुरी वालों ने हमारा भरण पोषण किया है, मेरे स्वामी ने यहां के घर घर से भिक्षा ली है, हमारी हर सांस उनकी आभारी है, उनके आभारों का बोझ हमारे दिलों पर है। ऐसे में यदि भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हमारे अच्छे दिन आ रहे हैं तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूं? वाह वसुंधरा वाह, धन्य हो तुम वसुंधरा, धन्य हो तुम, इतनी महान हो तुम, वाह। हे देवता, आप ही बताइए, मेरे स्वामी जब द्वारकाधीश से मिलने निकले थे, उन्हें भेंट देने के लिए हमारे पास 5 सुपारियां तक नहीं थी, तब मैं ही अपनी पड़ोसन से 2 मुट्ठी चावल मांगकर लाई थी। क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित है? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। नहीं ना? तो यदि मेरे इन्हीं निर्धन पड़ोसियों के टूटे फूटे झोपड़ों के बीच त्रिलोकीनाथ ने हमारे लिए राजमहल बना दिया तो क्या अच्छा लगेगा? हे स्वर्ग निर्माता, वृंदापुरी निर्धनों की बस्ती है, मैं इस नरक के बीच में आपको केवल अपने लिए स्वर्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकती हूं, इतनी स्वार्थी नहीं हूं मैं, इसलिए आप हमारी ओर से भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दें, या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाएं, फिर हमारी कुटिया पर कृपा दृष्टि करें। हे देवी, मैं अभी भगवान की इच्छा पूछता हूं। हे
हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग लोक का नमूना बना दो। हे देवी, भगवान ने आपकी इच्छा को स्वीकृति दे दी है। मुझे शीघ्र ही सारे वृंदापुरी का उद्धार करना होगा। हे भगवान, आपने मेरी बात मान ली, इसका बहुत धन्यवाद। वाह वसुंधरा वाह, आज तुम्हारे मन का इतना विशाल और चरित्र का इतना विराट रूप देखकर आत्मा गदगद हो गई। वसुंधरा, आज तुम मानवता के उच्चतम शिखर पर खड़ी हो, उच्चतम शिखर पर। सत्य है भगवान, वसुंधरा की भक्ति और मानवता पवित्र और पूजनीय है। देवी, वसुंधरा की भक्ति उस पवित्र नदी की तरह है जिसका जल यदि सागर में मिल जाए तो उस विराट सागर को भी पवित्र बना देता है। सुदामा और वसुंधरा की भक्ति मानवता और पुण्य की पवित्र नदी के जल से आज पूरी वृंदापुरी तृप्त हो रही है। यह आपने अच्छा ही किया भगवान कि सुदामा और वसुंधरा को निहाल कर दिया, सब कुछ दे दिया उन्हें। परंतु हे देवी, हमने तो अपनी ओर से सुदामा और वसुंधरा की सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करके अपने आधे चावल का थोड़ा मोल तो चुका दिया है, परंतु अब आपकी बारी है, उस शेष आधे चावल का कुछ मोल आपको भी चुकाना है। याद है ना, चावल का वो आधा दाना जो वसुंधरा ने आपको अर्पित किया था? कैसे भूल सकती हूँ मैं उस अनमोल भेंट को। प्रभु, उसके बदले मैं भी वसुंधरा को एक अमूल्य उपहार दूंगी, अवश्य दूंगी। वृंदापुरी के नगरवासियों, मैं विश्वकर्मा हूं, देव शिल्पी विश्वकर्मा। हे देव, हम सभी नगरवासियों की ओर से सादर प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भवन। हे स्वर्ग निर्माता, आपके स्वर्ग लोक से वृंदापुरी तक आने का क्या प्रयोजन है? मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से वृंदापुरी का नव निर्माण करने आया हूँ। वाह 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 वाह। हे देवता, ईश्वर की इस कृपा के हम आभारी हैं, परंतु आप हमें यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर की इस कृपा का कारण क्या है? इसका कारण है भक्तराज सुदामा। सुदामा, इसका कारण सुदामा। सुदामा, द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को एक अनोखी भेंट स्वरूप उनकी कुटिया के स्थान पर एक राजमहल का नव निर्माण करवाना चाहते हैं, परंतु 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 क्या देव? परंतु उनकी पत्नी देवी वसुंधरा ने इसकी आज्ञा नहीं दी। देवी वसुंधरा की इच्छा है कि पहले वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल बनाया जाए, फिर वो अपनी कुटिया को महल बनाने की आज्ञा देंगी। अतः भगवान श्री कृष्ण ने देवी वसुंधरा की ये इच्छा भी स्वीकार कर ली है। वाह वाह वाह।
वसुंधरा बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे सखी, कमाल नहीं, हम सबको निहाल कर दिया, निहाल। देवी वसुंधरा की इच्छा और भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार मैं वृंदापुरी के प्रत्येक घर को महल में परिवर्तित करने आया हूँ। क्या हमारा घर राजमहल बन जाएगा? अब हम सबके घर राजमहल बन जाएंगे? अरे अवश्य, देव शिल्पी के कथन में शंका कैसी। राजमहल बन गया, कितना सुंदर दिखता है। चलो चलो आओ, अंदर चल के देखें। आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। वाह प्रभु,